बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब ऑफ दैट चैनल में खुश आमदी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानी। दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। वीडियो की जानी बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि और भी इसी तरह की वीडियो आसानी से पहुँच सकें। तो मैं अब वेबसाइट ओपन करूँगा, तो आप राइट साइड पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किया, ये काफ़ी पोस्ट मैंशन है जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, उस पर क्लिक करना है। सारे को क्लिक करता हूँ। इसमें इस पोस्ट का क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कितनी सीटें हैं और इसके लिए क्या स्केल रखा गया है। फिलअप फॉर्म पे क्लिक करता हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपने ये बड़ा स्पेलिंग की गलती नहीं करनी, और इसी तरह अपने एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले पहले आप एप्लीकेशन में चेंजिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें चेंजिंग नहीं। मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करूँगा, यहाँ आईडी कार्ड इधर करूँगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस का है। दोस्तों, इसमें ख्याल रखना कि आपने वो नंबर लगाना है जो किसी दूसरे नेटवर्क कन्वर्ट ना हो। तो मैंने एक नंबर लगाया, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक किया। मैंने क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं पेज ओपन हो गया। ये जेंडर है मेल है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद लिखा हुआ आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, कि अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करते हैं तो जो नहीं करते नो रहेगा, और आप किसी कोटा बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, या किसी फोर्स के में काम करते हैं तो उस पर भी नो ही है। इसी तरह अगले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। जी दोस्तों, ये लिखा हुआ है पिक्चर नॉट अपलोड येट। यहाँ आपने ना पिक्चर अपलोड करनी है, इस तरफ आपने अपनी पिक्चर करनी है, पासपोर्ट साइज, और इधर आपने अपना CNIC कार्ड की फ्रंट साइड है जो उसकी, वो आपने अपलोड करनी है। मैं अभी आपको अपलोड करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये लिखा हुआ है इन्होंने कि आपने JPG साइज की 25 KB में पिक अपलोड करनी है। तो अगर आप पिक का साइज और दूसरा वो है उसका PNG में है या किसी और उसमें है, तो उसको मैं आपको कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगा। आपने लिखना है रीसाइज आर JPG ऑनलाइन JPG टूल, इसमें आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। आपने यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल JPG, आपने यहाँ जो पिक का आपने साइज चेंज करना है उसको यहाँ से आपने क्लिक करना है। इस पे बॉक्स पे क्लिक किया, देखिए पिक आ गई है, मैंने क्लिक किया, इस पे ओपन कर रहा हूँ। अब आपने इसका साइज, आपने जितना साइज रखना है, इसका मिसाल के तौर पर मैं रख रहा हूँ 420 की विड्थ है इसकी और 420 की हाइट है, तो इसको मैं अब इधर क्लिक करूंगा जो आपने कन्वर्ट करनी है, सेव है। इसी तरह आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो अब आप इसका साइज देख सकते हैं कितना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 24.2 KB के हैं, यानी कि ये अपलोड हो सकती है तस्वीर। अब मैं ये पिक वहाँ अपलोड करूँगा। दोस्तों, आपने यहाँ बैंक के डिपॉजिट स्लिप की, जिस तरह के मैंने पीछे आईडी कार्ड के और पर्सनल पिक अपलोड करके दिखाई थी, इसी तरह आपने यहाँ अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी तरह ये पिक अपलोड हो गई है। उसके बाद आपने ये डेट मेंशन करनी है, यहाँ बैंक का नाम है, सिटी नाम है, ब्रांच नाम है, इसी तरह, ठीक है। उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन कर लेनी, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये जी देखें, आपकी पिक भी अपलोड होगी, इसी तरह CNIC भी अपलोड हो गया। उसके बाद है पर्सनल रिकॉर्ड ऐड, आपने ऐड पे क्लिक करना है। इसमें आपका नेम आएगा, नाम जो भी आपका नाम है, उसके बाद आपका रिलीजन आएगा मुस्लिम, उसके बाद CNIC नंबर खुद शो हो रहा है, CNIC एक्सपायरी डेट आपने मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस है आपका, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है। आपने फ़ोन नंबर आपने दोस्तों वो देना है कि जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो। उसके बाद आपने ईमेल देनी है, फादर नेम है, मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ। इसके बाद आपने डोमिसाइल अपना सिलेक्ट करना है, किस उसका है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी इशू डेट जितनी है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने बताना है मैरिटल स्टेटस, सिंगल या मैरिड है। इसी तरह आपने उसके बाद बताना है आप के पहले कभी काम कर चुके हैं, PPSC में नो इस पर भी क्लिक है। इसी तरह ये सब ऑप्शन नो ही रहेंगे, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स के लिए है, उन्होंने इसको फिल करना है। तो दोस्तों, इसी तरह एक्सपायरी डेट के बाद आपने अपना सेंटर सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर रावलपिंडी है। इसके बाद आपने इसका चांस कि आपने कितने मरतबा टेस्ट दिया हुआ है पहले, अगर आपने कभी नहीं दिया तो 0 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक। तो ये देख सकते हैं ये ऐड हो गया, अब आपका एजुकेशन रिकॉर्ड रह गया। आपने ऐड पे क्लिक करना है, ये आपकी आ रही है मेट्रो का एजुकेशन। आपने प्रोसीड फर्दर पे क्लिक किया, प्रोसीड फर्दर पे क्लिक किया, तो इसको आपने यहाँ अपने मैट्रिक है आपके, अगर तो आपने मैट्रिक पे क्लिक करना है। मैट्रिक आपकी पहले सिलेक्ट हुई है, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने बताना है अपना कि कौन सा है। उसके बाद आपने वो, अगर आपका यहाँ नीचे नहीं मेंशन यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपका जो है वो, तो आपने यहाँ मेंशन करना है, अदरवाइज इसे छोड़ देना अगर इसमें है।
उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं, मिसाल बायोफिजिक्स मैथ है, इसी तरह आपने आपका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ था मैट्रिक का, उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था, एनुअल था या सेमेस्टर टाइप का, मार्क्स आपके कितने थे, उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, उसके बाद डिवीजन ग्रेड फर्स्ट डिवीजन मंथ था, इस तरह ऐड इन्फॉर्मेशन करके आपने आपकी अगली डिग्री आ जाएगी। मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट है, ठीक है, उसके लिए आपने सेंटर अपना चूज करना है, उसके बोर्ड चूज करना है, और इसी के बाद आपने मेजर सब्जेक्ट बताने हैं, उसके बाद आपने डिक्लेयर डेट बताने हैं, इसी तरह आपने मार्क्स बताने हैं अपने, और यहाँ आपने सी जी पी यानी कि टोटल मार्क्स बता देने हैं फर्स्ट डिवीजन है, तो आपने करना है एड एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं आपको ये दो ब्लैंक्स बन गए हैं, ये आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ गया, तो आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करना है, आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपका लास्ट पे जो रह गया आपका एक्सपीरियंस है या जो भी है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया कहीं से भी तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका डाटा सेव हो गया सक्सेसफुली, तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके नंबर पे जो आपने इधर दिया हुआ है उस पे मैसेज आएगा पीपीएससी की तरफ से, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा और उसके बाद एक टोकन नंबर होगा, जब भी आपने आप इस पे वेबसाइट पे आएंगे आपने लॉगिन करना है, आपने क्लिक करना है तो आपने वहाँ अपना टोकन नंबर देना है और एप्लीकेशन नंबर देना है, जैसे ही आप ये देंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो वो आपने प्रिंट आउट निकलवा कर आपने अपने टेस्ट में डेट जो भी आपको नाउस उसमें साथ लेकर जाना है, अगर आपने चाहते आप देखते हैं कि इसमें कोई गलती होगी एप्लीकेशन में तो उसके लिए लास्ट डेट 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त से पहले आपने उसमें करेक्शन कर लेनी है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए सब भाई शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।